वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। सो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं टीम ब्लाइंड के साथ। सो रिसेंटली टीम ब्लाइंड हमें टूर्नामेंट के बीच में फन करते हुए नजर आए, जहां पर वो सिर्फ एनिमी को नॉक कर रही थी एंड फिनिश नहीं कर रही थी, एंड मल्टीपल टाइम्स उनकी तरफ से हमें देखने को मिला, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हो। फिनिशर्स निकालते थे, बट आज इन्होंने पोजीशन पे भी ध्यान दिया, सरप्राइज यहां पे देने के लिए बैठे हुए थे। इसपावर नियो को नॉक करके फिनिश भी नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे कि क्या दूसरे खिलाड़ी आएंगे, करना क्या चाह रहे हैं, ये पे नॉक करके छोड़ दिए। फिनिश क्यों नहीं किए इस पावर, क्या वहां पे एक मौका दिया जा रहा है, आई डोंट नो जो भी रीजन हो, बट इस पावर यही व्हीकल घुमाते हुए अरु की प्रेजेंस क्या उन्हें पता है, क्योंकि अरु यही बैठे हैं। इस पावर बाहर निकलेंगे उस एके मैन इस फट के शॉट के साथ, चेकआउट करें खिलाड़ी कहां है। एक शॉट, एक फटका और खत्म खत्म। अरु फिनिश बड़े आराम से उनको किया सकता है, बट क्या इन्हें भी एक मौका दिया जाएगा, क्या अरु का भी फिनिश नहीं किया जाएगा। अब इस चीज के बाद रूल्स को ब्रेक करने के लिए वी की तरफ से हमें पेनल्टी देखने को मिली, जहां पर उस मैच के पॉइंट्स काउंट नहीं हुए, जिसके ऊपर फर्स्टलिया पर स्पीरो रिएक्ट करते हैं, वो थोड़े से गुस्से में होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी ब्लाइंड वालों ने गलती करी, एंड आई लव द टीम ब्लाइंड, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों में मिला उन बच्चों से, बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे हैं यार। प्रॉब्लम पता है क्या है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो आज हुआ ना वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, समझ नहीं रहे आप, मतलब जो और कोई कैसे उनको पता चलेगा कि वो गलत है। आयोगी खुद कह रहा है कि सही है, स्क्रिम्स है, ब्रो स्क्रिम्स नहीं है, 22,000 कह रहा हूँ मैं भी पागल हूँ, 22 लाख रुपए का टूर्नामेंट है, एंड आईकू जैसा ब्रांड है वहाँ पे जो स्पॉन्सर कर रहा है उस टूर्नामेंट को पर्टिकुलर। अभी मेरे को नहीं पता यार तुम इतना उसको ढीला कैसे ले सकते हो, इतना वो कैसे ले सकते हो। मैं तो कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा ब्रांड से कि मत करो भाई स्पॉन्सर, आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम्स इंटरेस्टेड ही नहीं है, इससे अच्छा स्क्रिम्स करा लो 5,000 रुपये की, हम पैसा क्यों डालना है, स्क्रिम्स करा लो, फ्री में खेल लेंगी टीम्स, बताओ ना यार, फ्री में खेल लेंगी टीम्स, नहीं चाहिए स्क्रिम्स ही खेलनी है ना यार, टूर्नामेंट है ही नहीं, मत लो पेमेंट मत लो। एंड इसी के बारे में माया भी यहाँ पर बात करते हुए कुछ ये कहते हैं, मस्ती में कर दिया ब्रो, बच्चे हैं ठीक है ना, आप लोग को भी पता है कि उन्होंने मस्ती में किया, और वो आप लोगों के जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म है उसके बाद वो लोग नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उन लोगों को पेनल्टी पड़ा जो कि बिल्कुल ठीक डिसीजन था टीओ की तरफ से, बट ऑब्वियसली बात है आप भी जानते हो वो रिपीट थोड़ी करेंगे, मैसेजेस कर रहे हो, कॉमेंट कर रहे हो कि ये चीज लैंड में करके दिखाना, भाई पागल थोड़ी है वो लैंड में क्यों करेंगे, इतना दिमाग है उनके पास, वो इंडिया की अच्छी टीम बन रखी है, इस टाइम सबसे ऊपर चल रहे हैं, इतना दिमाग तो उनमें भी होगा ना यार, हो गया ठीक है, बच्चे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा करते करते थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, तो किससे गलतियां नहीं होती हैं लाइफ में, होती है सबसे होती है, कर दी ठीक है आगे बढ़ो ना। वही सिड भी इस चीज के बारे में प्रैक्टिकली इलैबोरेट करते हैं कि यार जो भी टीम ब्लाइंड ने किया वो गलत क्यों है। मैं गाइस तुम लोगों को एक ही चीज बताता हूं, ये चलो पेनल्टी वगैरह उनको मिली जो भी है, वो लोग ने स्टोरी पे डाल दिया कि हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, सिर्फ मैं एक ही चीज बता रहा हूँ कि अगर ये कोई भी ऑफिशियल इवेंट या ये इंटरनेशनल लैन पबजी के कोई होता तो यहाँ पे टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती। मैं तुम लोगों को जेन्युइनली एक बात बताता हूँ, हाँ इंटरनेशनल में टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती क्योंकि इसको कंपेटिटिव इंटेग्रिटी बोलते हैं, ये हो चुका है, ब्राजील की एक टीम ने किया था आपको याद होगा, वो लोग ड्रॉप होके फाइट करे बिना वो लोग मर गए, तो आप गेम का आउटकम बेसिकली चेंज करते हो ये करके, नंबर वन ठीक है। और अगर आप लोग को लगते हैं कि मैं सोल का टट्टा करके ऐसी बात कर रहा हूँ, तो आप कोई भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल, कोई भी कास्टर, कोई भी एनालिस्ट जो अभी आप काम कर रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेना कि अगर ये टीम इंटरनेशनली ये चीज़ करती तो इनके साथ क्या होता, और अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता तो मैं स्ट्रीमिंग छोड़ दूंगा कल से। इनफैक्ट आई थिंक ये सवाल तुम लोग ने माया भी, जिसकी ये खुद की टीम है जिसने इनको ट्रेन किया है, उनको भी आप जाके पूछ लेना कि इंटरनेशनली अगर ये ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स ऐसे करती तो क्या होता उनके साथ, और आई वुड रियली लव टू हियर देयर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, माय पॉइंट बीइंग, ये चीज़ मैं एकदम एक बड़े भाई जैसा बोल रहा हूँ, डोंट टेक ऑफेंस टू दिस प्लीज, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स इफ यू आर लिसनिंग, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत तोड़ रहे हो हर एक टीम को, हर इवेंट जीत रहे हो, बहुत सेक्सी खेल रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, आई वुड जस्ट सजेस्ट प्लीज थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, जितना ये सक्सेस के वजह से अगर इतना जल्दी हवा में जाओगे उतना ही दर्द होएगा जब गिरोगे।
एंड जब पेनल्टी वगैरह सब कुछ मिल चुकी होती है तब घातक भाई एस पावर के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हुए हंसते हैं। अब इस चीज के बाद उनको थोड़ा सा हेट मिलने लगता है, जिसके बारे में वो ये बोलते हैं कि यार वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। एंड जब टीम ब्लाइंड को पेनल्टी मिल गई उसके बाद बस उन्होंने क्लिप को शेयर करी क्योंकि उनको ये चीज पसंद आई कि जिस तरीके से यार उन्होंने ये चीज एग्जीक्यूट करा। एंड कुछ लोगों को रोना आ गया एंड उनका ये रोना मुझे अच्छा लगा। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि यार 4 साल हो गए एंड इसके बाद कोई नई टीम आकर के अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करे तो कुछ ना कुछ यार फॉल्ट ढूंढ करके उनको टारगेट करो। एंड उनके साथ पहले भी हुआ एंड अभी भी हो रहा है। एंड वो यही बोलते हैं कि यार करते रहो। एंड वो बोलते हैं कि यार इतनी सिंपल चीज है भाई, उनको ऑलरेडी पेनल्टी लगी थी, उसके बाद मैंने क्लिप शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड जो चीज उन्होंने करी वो गलत थी। एंड इसके बाद वो लिखते हैं मुझे तो आज गजब हंसी आ रही है, नियत की बात करने वालों सोच अच्छी करो। एंड थक की तरफ से भी यहाँ पर एक स्टोरी देखने को मिलती है, आज पता चला ई स्पोर्ट्स 365 दिन बात करने वाले कॉम्पिटेटिव इंटीग्रिटी का मतलब नहीं जानते, द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू सपोर्ट रॉन्ग स्टफ एज यूजुअल। एंड आगे वो बोलते हैं ग्लैड वी आर अ कंटेंट ग्रुप। एंड घातक भाई की तरफ से एक स्टोरी हमें देखने को मिलती है, यार कॉम्पिटेटिव इंटीग्रिटी की बात करें तो रिसेंटली एक टूर्नामेंट में पिकाडो वाले टीम अप में जो चीज हुए वो टाइम पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजें देखता नहीं, सब देखता हूँ बट फालतू का टारगेट करना छोड़ दिया मैंने। सुकून से रहो, सुकून से रहने दो, क्या है ना जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सो वेल ओवरऑल टीम ब्लाइंड वाले मैटर में क्या टीम ब्लाइंड ने जो भी किया वो सही है या फिर वो गलत है, एंड अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को जरूर बताना। क्या है और घातक भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्लाइंड को, मेरी पर्सनल बात हुई, मेरी थक भाई से भी बात हुई, मेरी घातक भाई से भी बात हुई, दोनों में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ब्लाइंड को, नो वन इज सपोर्टिंग देम, वो बहुत दूर की बात है। अगर कोई टीओ यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता ना जो ये सब देखता तो एक दिन के लिए तो एटलीस्ट बैन होता ये, एक दिन के लिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो टीम माया भी यहाँ पर बात करते हैं जी के लाइनअप के बारे में, एंड फाइनली हमें वो पूरी लाइनअप कब देखने को मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ ये कहते हैं। निंजा बॉय के अलावा कोई फाइनल हुआ है? फॉर नाउ मावी एंड निंजा बॉय इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड ये दो प्लेयर्स फाइनल है, बाकी अपन कुछ कर रहे हैं, आप जस्ट मुझे 15 दिन दो, आपको सब सॉर्ट होता दिख जाएगा। सारी टीयर वन टीम्स ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है तो प्लेयर्स सिलेक्ट करने चूज करने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं। इफ वी गो द लॉन्ग वे वेयर वी पिक मवी निंजा बॉय एंड ऑल अदर अंडरडॉग्स देन वन डे इट माइट हैपन बट इट विल टेक टाइम, और हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, उसमें BGMS BGIS सब ऑलरेडी इन क्यू है, सो उसमें प्रॉब्लम होगा। बट अगर हमें अपकमिंग टूर्नामेंट्स पर फोकस करना है तो आई थिंक थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा, थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ सकता है। Although you all know कि मैं priorities थोड़ी सी underdogs को ज़्यादा देना चाहता हूँ। And video में आगे बढ़े तो recently team Soul की तरफ से हमें एक no IGL gameplay देखने को मिला, जिसके regarding सबदाव जी वाइटी लाइव बात करते हैं, react करते हैं। Wait किया exact time। और तो मैं सबसे sexy चीज़ दिखाता हूँ, जिसने chat में point out किया इस चीज़ के। बहुत वाला पीछे plan किया था। सबसे sexy चीज़ दिखाता हूँ, किसी और ने point out किया था। अब ध्यान देना। नो IGL खेल रही है टीम, नो IGL। जब पहले नो IGL खेल रही थी तब तो बोल रहे थे लोग, बहुत बच रहे थे कि क्या हो गया परफॉर्मेंस को, अब नो IGL खेल के भाई जीत गए, सेक्सी मार दिया, अब कहां गए लोग कि नो IGL खेल के क्या फायदा, हटा दो, ये कर दो, अब कहां गए लोग। तो सीधी सी बात है भाई, किसी के बोलने या किसी के कुछ करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हेक्टर आईजी, हाँ हेक्टर कर रहा होगा, आईजी हो सकता है, हेक्टर कर रहा होगा, हेक्टर इज अ गुड आईजी ब्रो, मैंने न्यूज़ में देखा था, हेक्टर इज अ गुड आईजी। एंड वही वीडियो में आगे बढ़े तो स्काउट जब यहाँ पर लाइव खेल रहे होते हैं तो बैक टू बैक 3 मैचेस में यार उनको एक हैकर मार करके चले जाता है, एंड उसके बाद भी उनका पेशेंस लेवल यार काफी हद तक था, बिकॉज इतने में यार हम जैसा कोई होता तब तक फट चुका होता। जाना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, क्या लॉजिक है, क्या बोल रहा है भाई। न्यू आईडी बना के हैक टेस्टिंग चल रही है, मेरे को पहले कैसे मिलता जब एरर क्लियर नहीं है। वापस मैं कहता मैं रख दूंगा, हाय राम।
डेड गेम। तो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।